ये मैंने शरद मल्होत्रा को देखा, नहीं इसलिए हंसी नहीं आ रही है, लेकिन मैंने भी ना उनको मेरी एक अलग हंसी दिखाई। कौन सी पता है? रावण वाली हंसी। ये वाली। तो वो भी हंस पड़े और उनको भी बिल्कुल मेरे जैसी हंसी आ गई। ऐसे करने लगे। लेकिन मैंने पूछा उनको कि आप इधर कैसे, क्योंकि ये तो OTT की होली पार्टी है। लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है शरद मल्होत्रा का भी OTT के साथ नाता जुड़ने जा रहा है। है कि नहीं? बॉलीवुड वाली होली तो आप हर साल देखते ही हैं और इस साल भी आपने देख ही ली होगी, पर आज SBS ओरिजिनल्स आपको लेकर जा रहा है OTT वाली होली पार्टी में। जी हाँ, होली का रंग OTT की दुनिया पर भी चढ़ा और डिजिटल मीडिया के कुछ फेमस फेसेस ने साथ मिलकर मनाया होली का त्योहार। नाच गाना खाना और बहुत सारा फन OTT की इस होली पार्टी में सब कुछ हैपनिंग था, पर सबसे बड़ा सरप्राइज रहे हमारे अपने शरद मल्होत्रा। यस, शरद मल्होत्रा ने OTT की इस होली बैश में 4 चांद तो लगा ही दिए, पर साथ ही साथ हमें असमंजस में भी डाल दिया कि क्या वो जल्द ही OTT के साथ अपना नाता जोड़ने वाले हैं। अब शरद फैंस के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या बिग सरप्राइज लाते हैं, ये तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर ये कहना गलत नहीं होगा, इस OTT वाली होली पार्टी की शान और जान रहे शरद मल्होत्रा। बिल्कुल यार, 2 सालों के बाद आप देख पा रहे हैं ऐसी हालत हुई है और पैंडेमिक फ्री होली है कह सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे वही कह रहा हूँ कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि लाइफ शुड नॉट बी टेक फॉर ग्रांटेड। हमें थैंक गॉड ये देखने को मिला है 2 सालों के बाद, सब गले मिल रहे हैं, सब एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, फैंस, व्यूअर्स, एवरीबडी विशिंग ऑल माई मीडिया फैमिली वेरी हैप्पी होली। रिप्सी जो हैं वो अभी मेरे साथ नहीं है, वो अभी घर पर है, तो इसलिए मैं जल्दी यहाँ पे बस कुछ लोगों को मिलने आया था मेरे, उनको मिल के मैं वापस जा रहा हूँ और फिर बाकी का जो दिन है वो मैं रिप्सी के साथ मनाने वाला हूँ। अब शरद से नज़र हटी तो हमारे कैमरे में कैद हुई सुंदरियाँ अलीशा पवर और दीपशिका नागपाल, जो अपनी ही मस्ती में मग्न थी। वेरी हैप्पी होली सबको, और एक्चुअली 2 साल बाद, यू नो, 2 साल आदत छूट चुकी है इस चीज़ की, हमने घर पे खुद को आइसोलेट करके होली मनाई है, लेकिन टू बी बैक इनटू दिस नॉर्मल जोन अभी, इट फील्स लाइक वेरी ग्रेट और मज़ा आ रहा है यार, यू नो, गेटिंग बैक विद ऑल द फ्रेंड्स। आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम, मतलब होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, मतलब मुझे कुछ हो रहा था, चला कि मैं होली नहीं खेल रही हूँ, एंड जैसे मुझे पता चला मेरी 5-6 ब्रांच आई, तो जैसे आई एम गोइंग, आई वांट टू सी एवरीबॉडीज फेस, तो ऐसा लगा था सब GTA में फोन में थे, अब सब बाहर आ गए। इन्हीं के साथ अमर उपाध्याय और पराग त्यागी भी इस बैश में नजर आए। डेफिनेटली 2 साल के बाद हम तो मतलब होली बहुत खूब मनाते, धूमधाम से मनाते, हर साल मनाते हैं, लेकिन 2 साल से बहुत ऐसे कमी खल रही थी, तो यहाँ पर आके ये उल्लू की पार्टी में पूरी कमी पूरी कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं। और टेरेस पर रखने का बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि ये ठंडी हवा चल रही है और लवली ब्रीज इज कमिंग। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 साल से बिकॉज ऑफ कोविड हम इंडिया में क्या, इंडियंस जो इंडिया के बाहर रहते हैं वो कोई भी होली नहीं खेल पाया था, लेकिन थैंक गॉड कि इस साल बेटर लेट देन नेवर, इस साल कोविड काफ़ी हद तक जा चुका है और इनफैक्ट हमने कोविड के साथ जीना सीख लिया है और सारी प्रिकॉशंस के साथ हम यहाँ पर होली खेल रहे हैं और बहुत एक्साइटमेंट है, और ये पिछले 2 साल की जो कसर है वो हम इस होली पे पूरी कर देंगे। ऑलमोस्ट 2 साल बाद सबको यूं हंसते हंसाते और खुशियां मनाते देख हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आ ही गई। SBS ओरिजिनल्स उम्मीद करता है कि हर साल
टीवी, बॉलीवुड और ओटीटी पर होली का रंग चढ़ता रहे और हम सबकी खुशियों में शामिल होते रहे। कैमरामैन प्रथमेश खानविलकर के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।